आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में करीब करीब 29-30 दिन रह गए, यानी करीब करीब एक महीने का टाइम है, 4 हफ्ते। टेस्ट सीरीज के क्या प्लस पॉइंट है, इसमें आपको किस तरीके से टेस्ट सीरीज को मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से यूपीएससी के पीवाई की उसको मैनेज करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्लस पॉइंट है, इस वीडियो में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आपको क्या चीजें करनी चाहिए और दोनों को कैसे मैनेज करोगे उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पेशेंस के साथ में देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज बिजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, इस टाइम पर अगर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। अगर आपको नहीं पता फुल लेंथ टेस्ट सीरीज क्या होती है तो हमने एक वीडियो बना रखी है, आप इसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको टेस्ट सीरीज को अगर सॉल्व करना है तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सारी चीजें सीख जाओगे। यानी इन सारी टाइम प्रेशर टेंशन जो भी डर होता है सारी चीजों को मैनेज करना सीख जाओगे, ये इसका पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा, यूपीएससी का क्या मतलब पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस तरीके से उनको खुद से एनालाइज करना, ये टेस्ट सीरीज थोड़ा थोड़ा आपको इसमें हेल्प कर देती है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंस है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि आपको एग्जाम टाइप वाली थोड़ी सी फीलिंग आ सकती है। ये सारी चीजें हमने लिख रखी हैं कि टेस्ट सीरीज के क्या प्लस पॉइंट है, क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाई के, ताकि आप इस वीडियो में कोई चीज मिस ना हो। तो एग्जाम टाइप थोड़ी सी आपको फीलिंग देख सकती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है। PYQs का क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो देखो PYQs एक ऐसी चीज है जिनके माध्यम से आप यूपीएससी के पेपर को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी की थीम से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, PYQs से आपके क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है, जो रियल में ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, वो आपका PYQs से किया जाता है। अब आप बोलोगे कितने साल के PYQs होने चाहिए कम से कम, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब कम से कम 7-8 साल के आपको करने चाहिए, 7-8-10 साल के। लेकिन अब आपका प्रीलिम्स का पेपर आ गया तो आपको कम से कम 25 साल के क्वेश्चंस, 20-25 साल के क्वेश्चंस आपको एनालाइज करके समझने चाहिए, क्योंकि इससे आपके 15-20 क्वेश्चंस, कभी कभी 25 क्वेश्चन तक, और अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो और ज़्यादा क्वेश्चंस तक आपके डायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1/4 क्वेश्चंस आपके PYQs के ट्रेंड एनालिसिस से, PYQs से ही आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद अटैम्प्ट को दोगे। हमने लास्ट ईयर अटैम्प्ट दिया, जो सारी चीज़ सीखी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना, ताकि आप इस बार के अटैम्प्ट को दे रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है आपका PYQs में। दूसरा जो बेनिफिट है, हमें ये लगा कि अगर आप PYQs को अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, ट्रेंड एनालिसिस को देखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेस्ट सीरीज के केस में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अगर मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ गए, टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा कम था, तो आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट होकर रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड होकर रहना है। तो PYQs का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अगर इसको अच्छे से सॉल्व करते हो, समझते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम को निकलने के, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मैंने आपको बताया इसी से क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे दें। ये जो टेस्ट सीरीज का आप शेड्यूल देख रहे हो, ये PW की तरफ से आप सबके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सब इसका बेनिफिट ले सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन जो 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए, PW ने लॉन्च किया है संकल्प 4.0, जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। साथ में उन्होंने अपने ऑप्शनल कोर्सेज के वर्जन 2.0 भी लॉन्च कर दिए हैं, हिंदी आप देख सकते हो सारे के सारे, हिंदी के भी, और एंथ्रोपोलॉजी PSIR ऑप्शनल, और इन सब के वर्जन 2.0 लॉन्च हो चुका है। इन सब का प्राइस है 9,000 रुपये। लेकिन आप सबके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए, आप KGM कोड यूज करना और आपको सीधे सीधे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको PW को यहाँ पे संपूर्ण बुकलेट प्रोवाइड की जाएंगी, मंथली करंट अफेयर, मंथन मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी, और उड़ान की जो बुकलेट है प्रीलिम्स के लिए वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड करंट अफेयर के लिए उड़ान 500 है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। आप जानते हो PW के यहाँ पे जो फैकल्टी है और कंटेंट है वो टॉप क्लास है, तो आप जरूर चेकआउट करना। PW ने अपने चैनल पर कुछ अभी अपडेट भी किया है, वो काफी बेनिफिशियल होगा 2024-25 वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब आपको बताते हैं टेस्ट सीरीज और PYQs को किस तरीके से आप मैनेजमेंट करोगे। देखो, आपके पास करीब करीब 4 हफ्ते हैं, इन 4 हफ्तों में स्टार्ट, लास्ट वीक को तो हम नहीं बोलेंगे, 3 हफ्ते आप मान के चलो, इन 3 हफ्तों में आप 3-3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाओ, 3 तो लगाओ प्रीलिम्स के GS की और 3 लगाओ प्रीलिम्स के CSET की। और किस तरीके से लगानी है, संडे टू संडे लगानी है। संडे टू संडे मतलब जैसे आप आगे वाला जो आगे आने वाला संडे है उस संडे को आप बैठो उसमें, उस तरीके से जिस तरीके से आपका पेपर होता है, पेपर किस तरीके से होता है, एक आपका मॉर्निंग के शिफ्ट में होता है 9:30 से 11 और एक आपका 2:30 से 6:30 होता है,
उसी तरीके से आप पेपर को लेके बैठो, पूरा एग्जाम का जो माहौल होता है उस माहौल को अपने घर पे बनाओ, एक ही दिन में दोनों टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, एनालाइज रात रात को कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके जो माइंड का सेटअप होगा उस तरीके से हो जाएगा कि आप रियल में जो पेपर दोगे उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको 3 कम से कम सॉल्व करनी चाहिए, अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया सारे सब्जेक्ट्स को, तो कम से कम 5-6 टेस्ट तो आपको सॉल्व करने चाहिए, यानी वीक में 2 दे सकते हो अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा, सब्जेक्ट्स पर थोड़ी सी कमांड है। अगर आपने बहुत कम लेवल पर पढ़ रखा है तो आप कम से कम 3 फुल लेंथ टेस्ट को दो, संडे टू संडे, उस तरीके से जिस तरीके से आपका पेपर होता है। 3 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे जिनको आपको जरूर करना है, इस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते हो। पहली जो चीज़ है, आपके पास 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों में किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, एक इसका एक फॉर्मेट बना लो। हमने आपको कई बार अपनी वीडियो में बोला है, रिवीजन मेक्स डिवीजन, यानी जितना आप अच्छा आप रिवीजन करोगे उतना आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने रिवीजन में उतना फोकस लगाओ जितना किसी सब्जेक्ट्स को नए पढ़ने में लगाते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपको ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रखना है। दूसरी जो चीज़ है कि 25 साल से कम के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस छूटने के चांसेस हैं, तो 25 साल के क्वेश्चंस को जरूर एनालाइज करना, ये आपके लिए मैंडेटरी है। तीसरी जो चीज़ है, वो सी सेट को हल्के में मत लेना, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सी सेट को जो हल्के में लेगा तो हो सकता है जीएस तो पास कर ले, लेकिन सी सेट के चक्कर में फेल हो जाए। सी सेट पहले पेपर चेक होता है, उसके बाद जीएस का पेपर चेक होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सी सेट में अगर फेल तो जीएस का कोई काम नहीं है, तो सी सेट को हल्के मत लेना। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आपको मेंटली प्रिपरेशन भी करनी है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, मोटिवेटेड होके कॉन्फिडेंट होके पेपर को देके आना है, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाओगे तो भी क्या होगा, अगले साल का अटेम्प्ट तो है ना, उसमें अच्छे से करना। रही बात तो बहुत सारे चीज़ें फैक्टर्स करेंगे, मैटर करेंगे, तो उनको आपको मैनेज करना होगा। तो अंडर कॉन्फिडेंट होने से अपना नुकसान है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से अपना नुकसान है, तो मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, मेंटली प्रिपरेशन करो, आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। आपने अगर अच्छे से तैयारी करी है तो, अच्छे से मेहनत करी है तो, अच्छे से आपके कर्म है तो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो प्रीलिम्स से लेके और सारी जो वीडियोज हैं, एंड लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो 2024-25 वाली सीरीज आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।